हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट मेलबर्न दर्शन. इसको मेरा फर्स्ट डे ही समझ लेना बाहर. सो विल बी गोइंग टू अ शॉपिंग सेंटर, देन हम लोग कहीं जाएंगे खाने पीने. ऑल्दो आई एम यू नो नॉट रियली श्योर अबाउट द प्लान, बट अभी तो जितना पता लगा उतना बता दिया. जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मुझे भी पता चलता रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को भी. सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं कैसा रहता है आज मेलबर्न का फर्स्ट डे आउटिंग का, क्योंकि मैं अभी तक बाहर गई ही नहीं हूँ, घर पे ही हूँ. सो लेट्स सी, वो चीज़ तो अभी आगे शुरू होएगी और उसकी भी व्लॉगिंग करेंगे, सब कुछ होगा. सो जैसा भी होता है मैं बताती हूँ. आज हम जाएंगे कार से. सो आज आपको सारा मेलबर्न दिखेगा. सो गाइज हम निकल पड़े हैं और मैं रह रही हूँ अभी सेंट किल्डा में. अभी हम लोग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मॉल में जो है चेडस्टन. लाइक वो पूरे न्यूजीलैंड पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मॉल है. अब बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइज वो है सामने 7-Eleven लेफ्ट साइड में. यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है और थोड़ा बहुत खाने का सामान भी मिलता है. $1 की कॉफ़ी होती है गाइज, और वो कॉफ़ी आपको खुद बनानी होती है मशीन्स में, और मैंने वो कॉफ़ी पी थी एंड ट्रस्ट मी गाइज इट्स अमेजिंग. 7-Eleven के सहारे पूरा ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, तो आप लोग भी आते ही 7-Eleven पक्का जाना और कॉफ़ी ट्राई करना, क्योंकि वो एक डेली रूटीन बन जाएगा. सामने से देखो ट्रैम है गाइज. ये सड़क है वन वे, और आप सोच रहे हो कि इसको ओवरटेक कर सकते, तो गाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आती हैं, सामने से भी ट्रैम आ सकती है. तो अगर हम इसके पीछे रह गए तो हमें इसके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा. यहाँ पे ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीस है यहाँ पर. देखो गाइज दूसरी साइड से भी ट्रैम आ गई. दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि दोनों साइड से ट्रैम आ सकती है एंड यू कैन नॉट ओवरटेक. बात करती हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया के ड्राइविंग रूल्स की, तो गाइज द मोमेंट यू नो ऑल दी रूल्स इट्स वेरी 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 इजी टू ड्राइव हियर, क्योंकि यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इट्स ईजी टू ड्राइव. लेट इट बी अ गर्ल और अ बॉय, इंडिया में लोग अपने खुद के रूल्स बनाते हैं एंड कहीं से भी घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट जिसकी वजह से इट इज़ ईजी टू ड्राइव. अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपको अपनी साइड पता है, अगर आपको अपने राइट्स पता हैं सड़क पे, तो यू कैन ड्राइव ईजीली. गाइज ये है मोनाश यूनिवर्सिटी, तो मोनाश यूनिवर्सिटी वालों अपनी यूनिवर्सिटी देख लो. सो गाइज हम चेडस्टन पहुँच चुके हैं, और ये आपको हॉइट्स दिख रहा होगा गाइज, जैसे इंडिया में PVR होता है, फन सिनेमा वगैरह होता है, यहाँ पे हॉइट्स होता है. और अभी हम कार को लगाएंगे पार्किंग में और फिर चलते हैं हम अंदर मॉल में. तो गाइज़ ये हम पहुंच चुके हैं चेडस्टन की एंट्रेंस पे, और चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या शॉप्स हैं. सारे के सारे अच्छा सही है.
तो गाइस हम पहुंच गए हैं फॉरएवर न्यू में। यहाँ पे गर्ल्स क्लोथिंग बहुत प्रिटी है, लाइक बॉयज़ का नहीं है। इसमें ड्रेसेस आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस की मिलेगी हर एक ओकेजन के लिए। सो इट्स अमेजिंग गाइस। उस हिसाब से रेट भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगे मुझे। तो पहले आना, मेहनत करना, फीस भरना, फिर ये कपड़े खरीदना, ठीक है? जोक्स अपार्ट गाइस, बहुत अच्छा था। अगर आप लोग विजिट करना चाह रहे हो तो विजिट कर लेना। सो गाइज आ चुके हैं हम सेफोरा में। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी ब्रांड्स, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बहुत टाइप की यू नो मेकअप की रेंज मिल जाएगी, हर एक ब्रांड मिलेगा। सेफोरा के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो गर्ल्स, सेफोरा इज़ अ गुड ब्रांड फॉर मेकअप। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट। सारे ब्रांड्स लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं तो प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं बट एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप लैक्मे यूज़ करते हो तो गाइज इंडिया से ही ले आना, क्योंकि यहाँ पे लैक्मे नहीं मिलता। तो चलो देख लो सारे प्रोडक्ट्स। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है मसाज चेयर। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें मैंने पे किया होगा, तो गाइज़ नहीं, इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं। तो अगर आप ट्रायल मांगते हो तो ये लोग ट्रायल देते हैं। तो हमने भी ऐसे ही ट्रायल लिया। और ये जो फुट मसाज वाली मशीन है गाइज़, ये $900 की थी। तो गाइज़ $900 खर्च करने में अभी टाइम है, तो ठीक है ऐसे जाके फ्री ट्रायल्स ले लिया करो। तो गाइज यहाँ से हमने लिया था वन पेयर ऑफ सैंडल्स और एक हैंडबैग। तो गाइज यहाँ पे ऐसा था कि अगर आप एक चीज़ शॉप कर रहे हो तो सेकंड बाय पे 50% ऑफ मिल रहा था। तो एक सैंडल खरीद के फिर एक पर्स खरीद लिया था 50% ऑफ पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम के मार्ट में। के मार्ट इज़ एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, तो अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं यहाँ से ले लेना, काफ़ी अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। जैसे कि ये वुलन टॉप या कुर्ता कह लो इसको, $15 में था ये, और काफ़ी सही रहता है, काफ़ी मोटा भी है ये, तो घर पे पहनने के लिए बहुत सही है। तो मैंने इनमें से ये ब्लू वाला ले लिया था और मैंने इसको पहना तो मुझे मतलब सच में काफ़ी वार्म लगा। तो अगर आप लोग भी घर के कपड़े नहीं लाए, यानी कि घर पे पहनने वाले कपड़े नहीं लाए, तो ये वाले वुलन टॉप्स आप ले सकते हो। दे आर एक्सट्रीमली वार्म एंड चीप। तो गाइज़ ये है डांडेनोंग। यहाँ पर आपको इंडियन शॉप्स काफ़ी मिल जाएंगी, ठीक है? तो बहुत बढ़िया था, ठीक है? और वो शॉप है
वो कलकत्ता से है, उधर भी मार्केट है, उधर भी मार्केट है, वहाँ पे स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, डेंडेनो। अच्छा, ये सब देसी बंदों के लिए है। ये कोई मॉडर्न बंदों के लिए तो गाइज ये आ गए हम परदेसी वैष्णो ढाबा। गाइज ये यहाँ का बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब अगर आप इंडिया को मिस कर रहे हो या इंडियन फूड को मिस कर रहे हो तो डांडेनोंग आओ और परदेसी वैष्णो ढाबा पे आना, बहुत ही टेस्टी फूड है। ऑल्सो आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी जो इंडिया में मिलती है, कुलचा, नान, वॉट नॉट, लाइक एवरी थिंग, मिठाइयों की रेंज और बाकी सब भी, मतलब जो भी हमारे इंडियन स्वीट शॉप्स पे मिलता है या रेस्टोरेंट्स पे मिलता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये ड्रिंक्स हैं, नमकीन, मिठाइयाँ हर टाइप की। तो गाइज़ ये था यहाँ का सिटिंग एरिया। फिर हमने मंगवाया दाल मखनी, नान, अमृतसरी कुलचा और अफ़गानी चाप। सो गाइस पेट पूरा भर चुका है और अब हम निकल पड़े हैं घर की और पूरा अंधेरा हो चुका है। सो दैट्स अबाउट माय फर्स्ट डे इन मेलबर्न, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ़।